फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी लेकर के आया हुआ हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको ऐसे ही तरह तरह के वीडियोस हर रोज़ मिलते रहेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई से हो या लेटेस्ट जॉब से हो या न्यूज़ से ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि बिहार में आई नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती आई हुई है, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बारे में बताया जा रहा है। इस टाइप का आपको वैकेंसी है प्रदूषण नियंत्रण के बारे में, तो आपको क्या है नोटिफिकेशन, कितने सैलरी रहेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो को अंदर जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए दिया हुआ है bspcb.bih.nic.in। हमने इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, इनमें इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन आपको फिर आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे बस क्लिक करना कि देखिए लेटेस्ट है, न्यू आया है, रिक्वायरमेंट देखिए बताया जा रहा, तो इस पर चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा, ये एक न्यू पेज पे लेके चल जाएगा आपको। ये देखिए इस टाइप से बताया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों उससे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्राइटेरिया बताया गया है, कितने सैलरी हैं, कौन कौन फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस टाइप से दिया हुआ दोस्तों, देन आपको जो है डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पे, उसके बाद मैंने इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनको डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। चलिए क्लिक कर लिया, उसके बाद दोस्तों डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे। देखिए बताया जा रहा है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखिए बताया जा रहा है इस टाइप से एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट प्राइवेटली कंट्रोल, इस टाइप से दोस्तों देखने को मिल रहा होगा। देख पा रहे इतने सारे पोस्ट दिए हुए हैं, नमी गैंग, उसके बाद पोस्ट में जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन में दोस्तों बताया जा रहा है कि बीएससी, उसके बाद आपको लाइफ साइंस बायो केमिस्ट्री, इस टाइप से अगर आपने कर रखा है तो आप ज़रूर आवेदन दें। उनके बाद सैलरी की बात करें तो पर मंथ आपको 25,000 सैलरी देखने को मिलेंगे। देख पा रहे हैं एज लिमिट की बात करें तो आपको 37 से 37 है जनरल वालों के लिए। अगर आप EBC कैटेगरी में आते हैं यानी OBC तो 40,000 आपको लगेगा, और BC में आते हैं तो 40,000, और SC में अगर आते हैं तो 42,000। यानी इतने साल के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर आवेदन दीजिएगा। मल्टीटास्किंग अगर आपने इसमें भी एक पद दिया हुआ है, देखिए MTS का भी पद है, फील्ड असिस्टेंट वगैरह भी दिया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं दोस्तों। इनका सैलरी थोड़ा कम है ग्रेजुएशन लेवल पे, देखिए अगर आप हैं 12th पास हैं, अगर आप पास हैं 12th पास तो भी आप भर पाएंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए तो आप भर पाएंगे। इसका थोड़ा सैलरी कम है, 11,000 है, तो दोस्तों आगे भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों बताया गया है, इनका देख पा रहे हैं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, https://bspcb.bih.nic.in पे दिया हुआ है। देख पा रहे तो इस टाइप से बताया गया है, कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया, पूरा डिटेल से नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप से दोस्तों देने के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है तो ही आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए बैक आते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देन दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां से भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जाने के रजिस्ट्रेशन करने में आपको क्या क्या लगेगा, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैट्रिक, अगर आप इंटर से अगर भरना चाहेंगे तो इंटर का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। उनके बाद आपको जितने भी अगर आपने कर रखे हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी, तो वो भी लगेंगे। और उसके बाद सारा डिटेल वगैरह भरने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, उनके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल डालना है, उसके बाद फ़ोटो और अपलोड, उसके बाद वो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, उसके बाद आपका हो जाएगा, सबमिट कर देना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस टाइप से दिया हुआ है, तो आप लोग को इस तरीके से आपको आवेदन देने हैं। अगर फ़ोटो की बात करें तो आपको 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज़ में 200x230 पिक्सल का होना चाहिए। सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ 20 KB साइज़ का ही होना चाहिए तो ही ये सपोर्ट करेगी। देन आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए इतने सारे जो पोस्ट मैंने बताया था, देखिए आप जिस पोस्ट के लिए भरना आप चाहेंगे तो उस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। डाटा एंट्री के लिए भरना है तो डाटा एंट्री पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम आपको डालना है, उसके बाद फादर्स नेम डालना है, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उनके बाद यहाँ पर आपको एक टिक करना होगा। और हाँ, अगर आप में कोई फिजिकल वगैरह ये है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जनरल डालना है, उसके बाद कैटेगरी डालना है एससी एसटी ओबीसी, देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे वही वाला पासवर्ड आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मतलब दोस्तों ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कैप्चा फिल करने में दिक्कत या प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप यहां से एक बार जरूर इनको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो आप यहां डाल दीजिएगा, उनके बाद आपका हो जाएगा। इतना सारा दोस्तों डिटेल वगैरह भरने के बाद आपको यहां पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप जैसे ही करोगे तो आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगी, उनके बाद आप में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना, आपको बैक आने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां देखिए लॉगिन आ रहा है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहेगा। उनके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों उसके बाद जो है क्राइटेरिया, उसके बाद आपको सारा डिटेल भरना है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, उसके बाद फोटो आपको स्कैन करना होगा, सिग्नेचर स्कैन करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप फॉर्म भर पाएँ। काफ़ी अच्छी फॉर्म है दोस्तों, बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे पोस्टें भी दी हुई है, मल्टीटास्किंग का भी दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर आवेदन दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे इस वीडियो में यही बताना था, आप लोगों को अलर्ट करना था, बिहार में एक नई वैकेंसी आई हुई है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कोई नई वीडियो में एक अच्छी नई वैकेंसी के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाबा।